मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के पक्ष में बुरहानपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और AIMIM पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की 130 सीट जीतने का दावा किया है। वहीं चुनावी मैदान में AIMIM के उतरने पर उन्होंने कहा कि AIMIM चुनाव हराने के लिए चुनाव लड़ती है, जीतने के लिए नहीं। बुरहानपुर में MIM खड़ी है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? MIM काउंटर बुरहानपुर में MIM को हराने के लिए चुनाव लड़ती है। कांग्रेस में जो भी नेता बनता है उसके बाद में कभी MIM में जाता है, कभी बीजेपी में जाता है, क्या लगता है क्यों जा रहे हैं? ऐसा है, हर्षवर्धन भैया से पूछो कौन सी पार्टी में जाएंगे। हाँ, प्रदेश में क्या लगता है सरकार बन गई कांग्रेस? मध्य प्रदेश में सरकार बन गई कांग्रेस, क्या लगता है? कांग्रेस के भागी भी काम कर रहे हैं, उनको क्या? कांग्रेस के जो भागी भी काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस का काम नहीं कर रहे हैं, बाजी का काम बना रहे हैं।